तो यार आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने गूगल मीट या फिर जूम मीटिंग्स को स्किप कर सकते हैं, वो भी बिना किसी को पता चले। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन बताऊंगा कि जब मैंने ये ट्राई किया तो क्या हुआ। तो क्या हाल है दोस्तों, अभी के टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस और मीटिंग्स जो है वो एक मजबूरी बन चुकी है क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती है जहां हमारा कोई काम नहीं होता लेकिन फिर भी हमें वहां प्रेजेंट रहना होता है। तो ऐसी मीटिंग्स को कैसे अवॉइड करें, इन सारी बातों को आज हम करेंगे इस वीडियो में डिस्कस। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये मीटिंग्स कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, उससे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपको कंफर्म कर लेना होगा कि उस मीटिंग में आपको कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि अगर उस मीटिंग में आपको बोलने की जरूरत पड़ गई तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और इस तरीके में हम एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो जूम कॉल या फिर जो गूगल मीट है उस पर हम प्ले करेंगे। तो इस चीज के लिए जो आपका प्री रिकॉर्डेड वीडियो है और जब आप एक्चुअली में मीटिंग के टाइम पर है उस टाइम पर आपका ड्रेस जो है वो सेम होना चाहिए और आपका जो बैकग्राउंड है वो भी अगर हो सके तो सेम हो तो ज्यादा अच्छा है। ये तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पीसी पर काम करता है और इस चीज के लिए आपको एक दो सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने होंगे। पहला तो OBS है, ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर, जो कि YouTube लाइव स्ट्रीमिंग में भी बहुत काम आता है। जो लोग गेमिंग लाइव स्ट्रीम करते होंगे उनको ये चीज़ें पता होगी। तो हमें OBS डाउनलोड करना है और फिर उसी का एक एक्सटेंशन है OBS वर्चुअल कैम, तो हमें वो भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। अब OBS डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ गूगल पर OBS टाइप करेंगे और यहाँ जो फर्स्ट लिंक है उस पर जाएंगे और हमारा विंडोज़ मैक या लिनक्स जो भी है उसी हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ विंडोज़ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि OBS हमारा डाउनलोड हो रहा है। फिर इसी तरह से हम OBS वर्चुअल कैमरा भी डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पर और हमें यहाँ पर गो टू डाउनलोड्स दिख रहा है। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो OBS वर्चुअल कैमरा वो डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम OBS और OBS वर्चुअल कैमरा को इंस्टॉल करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम अपने लैपटॉप के वेबकैम से एक वीडियो रिकॉर्ड करें अपना, लगभग 30 सेकेंड्स या 1 मिनट या अप्रॉक्स 2 मिनट्स का भी आप रख सकते हैं, जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये वीडियो जो है मैंने अपने लैपटॉप के वेबकैम से रिकॉर्ड कर ली है। अब इस वीडियो को हम यूज़ करेंगे जूम कॉल में। तो यार OBS जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है और OBS स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो अभी आप जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो OBS के थ्रू ही हो रहा है और OBS में हमें कुछ ये करना है कि हमें यहाँ पर ये प्लस वाले आइकन पर जाना है और हम क्लिक करेंगे यहाँ पर मीडिया सोर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्रिएट न्यू का ऑप्शन है तो हम यहाँ ओके करेंगे और यहाँ पर हम फाइल लोकेट करेंगे जो हमने वेबकैम से रिकॉर्ड की थी। तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप पर रखी है यहाँ वेबकैम वीडियो, हम इसे यहाँ ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमें एक लूप का ऑप्शन दिख रहा होगा तो हम लूप पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये वीडियो हमें लूप में चाहिए उस जूम कॉल पर। अगर हम लूप पर क्लिक नहीं करेंगे तो हमारा जो भी 30 सेकेंड या 1 मिनट या 2 मिनट का वीडियो होगा उतनी देर प्ले होकर वो रुक जाएगा, तो हमें लूप पर चाहिए ये। उसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ देख सकते हैं कि मेरा वीडियो आ चुका है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है और हम यहाँ स्ट्रेच करके इसे फुल स्क्रीन पर कर लेंगे, नहीं तो अगर ये पोर्शन अगर इस तरह से खाली रह गया तो वो आपको वीडियो पर दिखेगा। अब इसके बाद हम यहाँ ऊपर में टूल्स पर जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे वर्चुअल कैम और वर्चुअल कैम क्लिक करने के बाद ऑटो स्टार्ट पर क्लिक रहने देंगे क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो कॉल स्टार्ट होगा वैसे ही ये भी साथ में स्टार्ट हो जाए इसलिए। और यहाँ पर जो है वो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वर्चुअल कैम, तो हम इसे यहाँ क्लोज कर देंगे और OBS को हम क्लोज नहीं करेंगे, इसे बस हम मिनिमाइज कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो OBS में प्ले हो रहा है और अब हम चलेंगे यहाँ जूम पर। यहाँ जूम कॉल पर आने के बाद हम यहाँ इस छोटे से आइकन पर क्लिक करेंगे जो एरो है हमारा और हम यहाँ ये OBS कैमरा सेलेक्ट करेंगे और OBS कैमरा सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ स्टार्ट वीडियो पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है वो यहाँ पर लाइव कॉल पर प्ले हो रहा है। ये तो बात हो गई कि कैसे आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो को जूम कॉल पर प्ले कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस बताता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो ड्रेस पहनकर आपने वीडियो रिकॉर्ड की है प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो है वेबकैम वाली, उसी ड्रेस में और उसी लोकेशन पर अब अगर आप वीडियो कॉल के टाइम पर बैठें तो ज़्यादा अच्छा होगा। होता यूँ है कि जब आप वीडियो कॉल पर हैं तो आपको लगता है कि ठीक है आपको नहीं बोला जाएगा कुछ भी बोलने के लिए,
बट इन केस अगर बोल दिया गया तो उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मेरे साथ भी हुई थी। और इस तरह से अगर मीटिंग के बीच में अगर आपको कुछ बोलने के लिए कह दिया गया तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या करें कि यहाँ पर आप जाकर वीडियो को स्टॉप करें और इस एरो पर क्लिक करके इंटीग्रेटेड वेबकैम पर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप स्टार्ट वीडियो कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। अब तो तुम टेक्निक जान गया। तो यार इस तरह से वीडियो मीटिंग्स को अवॉइड कर सकते हैं जिसमें हमारी ज़रूरत नहीं है। अब ये ट्रिक तो है लेकिन इसे अपनी रिस्ट पर ही यूज़ करना, देख कर कि आपकी मीटिंग में कौन है और क्या हो रहा है और अगर आप पकड़े गए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यार फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बाय।